झांसी कानपुर रेल लाइन पर लगातार तीन दिनों से एक के बाद एक शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। झांसी कानपुर रेल लाइन पर आज तीसरे दिन फिर एक शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। झांसी के पोंछ थाना क्षेत्र के पास से निकली झांसी कानपुर रेल लाइन पर युवक की लाश मिली है। अब तक इस रेल लाइन पर तीन दिन में लगातार तीन लोग सुसाइड कर चुके हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराकर कार्यवाही में जुटी। पोंछ थाना क्षेत्र के बटेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास झांसी कानपुर रेल लाइन पर युवक की शव विशद लाश मिली। ट्रेन की चपेट में आने से मृतक के पैर कट चुके थे, जिसकी सूचना संबंधित थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई। घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने मृतक की पहचान 22 वर्षीय अंशु उर्फ आशीष सविता के रूप में। मृतक पोंछ थाना क्षेत्र के कस्बे में रहता था। युवक बाल कटिंग का काम करता था। परिजनों के मुताबिक बीती शाम वह घर से निकला था, इसके बाद लौट कर के घर नहीं आया। परिजनों को चिंता हुई तो उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। अभी खोजबीन चल ही रही थी कि तभी सुबह सुबह उन्हें पता चला कि रेलवे लाइन पर युवक का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त अंशु के रूप में हुई है। अंशु ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या क्यों की, ये स्पष्ट नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी। बीते पिछले तीन दिनों से लगातार अब तक तीन लोग झांसी कानपुर रेल लाइन पर सुसाइड कर चुके हैं, जिसमें एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं। लगातार हो रही सुसाइड को लेकर अब क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। क्या नाम है? अनूप कुमार। कौन सी जगह है ये? ये मेडिकल है। क्या क्या ये हादसा कैसे हो गया? क्या नाम था? आशीष कुमार नाम था इसका। तो कैसे क्या हादसा हो गया? पता नहीं, दुकान पे था, काम कर रहा था। काम करने के बाद घर चला आया। उस बात पता नहीं का क्या इसके मन में आई। शाम को हम घर पहुंचे तो ये मिला नहीं। उसके बाद काफ़ी खोजबीन की हमने रात में 11-12 बजे तक। उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। हमको ढूंढते रहे इसको, काफ़ी ढूंढने के बाद जब नहीं मिला तो हमने सोचा हो सकता है कहीं चला गया वो घूमने फिरने। उसके बाद हम भी लेट गए। अभी सुबह मालूम चला, सुबह लोगों ने देखा होगा तो बताया कि यहाँ पे कट गया है। अच्छा अच्छा